आर्थिक रूप से चुनाव सफल होंगे, कितने मत पड़े और कौन कौन प्रत्याशी विजय घोषित हुए? कालूगणी की धरा में जो ये चुनाव हुआ है वो 264 बल के छापर के इतिहास में पहला चुनाव है जिसके अंदर इतने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वाचन हुआ है और संपन्न हुआ है, जो अद्वितीय है, जिसकी कोई मेल नहीं है। छापर के इतिहास में 264 बल के 13 धर्मपन के इतिहास में ये ऐसा पहला चुनाव है और आचार्य करवर यहाँ पधार रहे हैं। का पदार्पण 9 तारीख को है, इसके पहले पहले सारा चुनाव संपन्न हो गया है और हमें बड़ी खुशी है कि तीनों प्रत्याशी जो जीते हैं जो नहीं भी जीते हैं वो तीनों एक साथ में हैं। तीनों ने आलिंगन किया है अपने आप को एक दूसरे के साथ में और कोई भी वैमनस्य का वातावरण यहाँ नहीं है। सब शांतिपूर्ण ढंग से सब ने वायदा किया है कि सब एक कंधे से कंधा लड़ा करके और लगा करके और आगे हम पूरा दायित्व का निर्वाह करेंगे और गुरुदेव का चतुर्मा सफल से सफलतम बनाएंगे। चुनाव में संयुक्त चुनाव अधिकारी में आपने अहम भूमिका निभाई है, किस प्रकार से है चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार शुभकामनाएं देंगे? ऐसा है कि ये 13 धर्म संघ का जितनी भी सभाएं हैं, करीब करीब 688 सभाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, इसमें एक सभा 13 की सभा छापर का है और ये 13 धर्म संघ का प्रताप है और इनके गुरुओं का आशीर्वाद है। यहाँ पे जो भी चुनाव या मनाव जो भी होते हैं, जब भी कोई भी प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया में सब हमारे जो धर्म संघ के गुरु है या उनके जो साधु संत है उनका पूरा आशीर्वाद रहता है और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज ये छापर का चुनाव संपन्न हुआ। 3 प्रत्याशी थे हमारे यहाँ पर, श्री जीवन मल जी दुदौड़िया, श्री जीवन जी बालू, श्री विजय सिंह जी सेठिया और बहुत ही जो 5:30 बजे लगभग हमारे चुनाव का ये मतदान का कार्यक्रम शुरू हुआ और 7:30 बजे ठीक हमने इसे संपन्न किया और इसमें श्री विजय सिंह जी सेठिया को 109 वोट, श्री जीवन जी मालू को 88 वोट और जीवन मल जी दुदौड़िया को 21 वोट मिले हैं और विजय हमारे इसमें ये भी एक मुख्य बात है जो उल्लेख करना चाहूँगा, इससे पूर्व भी जो पिछले 2 साल का जो कार्यकाल था 2020-22 का, उसमें भी श्री विजय सिंह जी सेठिया मनाव के द्वारा 13 सभा छापर के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। उन्होंने अपना 16-17 महीने का इसका उनका कार्यकाल था, उसमें अच्छी गति प्रगति, अच्छी गांव को लेके कालू कल्याण केंद्र जो है, 13 भवन है इत्यादि अनेक जो कार्यक्रम छापर के और अभी सामने आचार्य मास संबंधी का चतुर्मास भी है उसमें भी, वैसे तो उसके अध्यक्ष अलग गुरुदेव के चरणों में साधक साहेब अंतरी होना मैं विजय सिंह सेठिया, मैं पूरे छापरवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये जो आज का चुनाव को क्या मानू मैं, गुरुदेव का आगे में चातुर्मास है, हम लोगों को चातुर्मास मुझे लड़ना है और चातुर्मास के लिए सब कुछ लड़ना है, यही हम लोगों का एक लक्ष्य है। इसमें आज इतनी बड़ी उपस्थिति छापर में हो गई, इससे ये महसूस हो रहा है कि आगामी चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक तो होगा, ये गुरु की कृपा है। लेकिन आप लोग ये पधारे और ये जो हौसला बढ़ाए, मैं आप सबका तय दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाटा चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी जय श्वेतांबर 13 सभा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सभा छापर के ऐतिहासिक चुनाव में जो चातुर्मास परिप्रेक्ष्य 2022 आई गया और चतुर्मास आने वाला है, उसी परिप्रेक्ष्य के मध्य में जो ये चुनाव हुए, ये चुनाव ऐतिहासिक माहौल के रूप में हुए जिसमें श्री मान विजय सिंह जी सेठिया को
पुनः निर्वाचित मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करके घोषित किया। मैं सभी मतदाताओं के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि वो अपने मत का प्रयोग जैसे किया है आगामी 2022 का चतुर्मास जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के नेतृत्व में और आचार्य श्री महाशरमण जी चतुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट के अंतर्गत मिलजुल कर ऐतिहासिक माहौल में और मिलजुल के समाभाव के माहौल में अपना सेवा श्रम और धन देकर अपना अमूल्य योगदान दें, इसी आशा और विश्वास के साथ